वेलकम टू माई चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेंटल मैथ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 243। कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं 81 एंड 243 के। तो कैसे आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे 81 और 243 के? 81 एंड 243 के, 81 के कॉमन फैक्टर निकाले आपने इस तरीके से, 3 का पहले लीस्ट नंबर से करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, तो इसको 3 से करेंगे आप। 3 से किया 27 आ गया, फिर 3 से किया 9 आ गया, 3 से किया 3 आ गया एंड 1, फिर 3 से किया 1 आ गया। फिर ऐसे ही 243 को आप 3 से डिवाइड करेंगे 81 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा एंड 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 81 के 3 × 3 × 3 × 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 243 के 3 × 3 5 × 3 आएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो कॉमन आपके इसमें कितने हो गए 3 3 3 3, 4 × 3 कॉमन हो गया आपके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड करेंगे, एलसीएफ निकालना है इसमें 160 एंड 180 का। तो 160 का एलसीएफ निकालेंगे, लीज नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से किया 90 आ गया, 2 से किया 45 आ गया, 2 से किया 15 आ गया, सॉरी 3 से किया 45 से तो 15 आ गया, फिर 3 से किया तो 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। ऐसे ही 2 से करेंगे हम 160 का तो 80 आ जाएगा, फिर 2 से किया 40 आ जाएगा, 2 से किया 20 आ जाएगा एंड 2 से किया 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 का 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब इसमें फैक्टर ऑफ 180 के निकालने हैं 2 2 3 3 5 एंड फैक्टर ऑफ 160 के निकालने हैं 2 2 2 2 2, मतलब 5 × 2 है एंड 5 है। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स आपके निकालने हैं, तो 2 2 बार है एंड 1 बार 5 है, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 = 10 और 10 × 5 = 10 और 10 × 2 = 20। तो एलसीएफ कितना हो गया 20। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 38 एंड 72। एलसीएम निकालना है 38 का और 72 का। 38 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 19 हो जाएगा, फिर उसको हम 19 से डिवाइड करेंगे क्योंकि और किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 1 आ जाएगा। फिर 72 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 2 से किया 36, फिर 2 से किया 18, 2 से किया 9 आ गया, 3 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया, तो इसका आप आया 2 की पावर 1 हो गई, 19 की पावर 1 हो गई, और यहाँ पर 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। ऐसे ही मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ 2, तो ये 2 3 टाइम्स है एंड 3 2 टाइम्स है और 19 1 टाइम्स है। अब आपको इसको एलसीएम निकालना है, तो 3 × 3 × 3 × 2 × 2 एंड 19, इन सबको नोट किया आपने, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आ गया आपका 1368। सो आंसर इज 1368। एलसीएम आपका कितना आ गया 1368। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ 108 एंड 144 का एलसीएम निकालना है और एससीएफ भी निकालना है। उसके बाद वेरीफाई करना है वेदर द प्रोडक्ट ऑफ दिस एलसीएम एंड एससीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर है कि नहीं है, ये आपको करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन करिए आप, फैक्टर्स पहले 120 का, तो 120 का निकाला आपने, फिर 144 का भी निकालेंगे। 120 का निकाला तो फैक्टर कितने आए आपके 3 × 2 और 3 एंड 5। फैक्टर ऑफ 144 का निकाला तो 4 × 4 एंड 2 × 3, तो इसमें कॉमन कितने हो गए 3 × 2 एंड 1 × 3 कॉमन हो गया। इसका एलसीएम निकाला, मल्टीप्लाई किया, 24 हो गया। अब मैक्सिमम ऑकरेंस कितना है, 2 आपका 4 टाइम है, कितने बार है 4 टाइम, 3 आपका 2 टाइम है और 5 आपका 1 टाइम है। तो आप इसको एलसीएम निकालने के लिए सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 720। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, 120 × 144 एंड 720 × 24, जो आपका एलसीएम और एलसीएम निकला है और जो आपकी दोनों डिजिट थे 120 और 144, इनका मल्टीप्लाई किया तो 17,280 आया, और इनका भी मल्टीप्लाई किया जो हमारे एलसीएफ और एलसीएम निकले तो उसका भी आंसर करके मल्टीप्लाई करके आंसर आया 7,280। तो ये वेरीफाई हो गया, यानी कि दोनों का आंसर सेम है तो वेरीफाई हो गया आपका ये। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 5, स्टडी द गिविन डाटा एंड फाइंड द अदर नंबर। एलसीएफ आपका दिया हुआ है, एलसीएम आपका दिया हुआ है, एक नंबर भी आपका दिया हुआ है 24, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रूल आपका, लेट द अदर नंबर फाइंड करने के लिए
आप ये इस तरीके से फार्मूला लिखेंगे, फर्स्ट नंबर एंड अदर नंबर एस सी एफ एंड एल सी एफ, एल सी एफ एल सी एफ का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 960 आ गया। वन नंबर आपका एक्स निकालेंगे जब आप, तो वन नंबर जो आपका है वो नीचे चला जाएगा। 960 का 244 से डिवीज़न करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो आपका है 40, तो आंसर इज़ 40। ये आपकी हाफ मेंटल मैथ हो गई है, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको इसमें जो भी क्वेरी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।